नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थ इज वेल 0610 में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको क्रैम्प्स का बहुत बढ़िया एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बताऊंगा। क्रैम्प्स यानी कि बाइटे आना या नस पे नस चढ़ना जिसको बोलते हैं, ये एक बहुत पेनफुल कंडीशन है। कुछ टाइम के लिए होता है लेकिन आदमी को तड़पा डालता है, आदमी को पेन से नचा डालता है, आदमी नाचने लगता है जब ये नस पे नस चढ़ती है या क्रैम्प्स आते हैं। ये पूरी बॉडी में कहीं भी आ सकता है लेकिन पैरों में ज़्यादा आता है। पैरों में क्रैम्प्स के लिए मैं बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट बता रहा हूँ उसको, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बताऊँगा, घरेलू इलाज भी बताऊँगा जिस और बचाव भी बताऊँगा क्रैम्प्स से, जिसको करने से आपको तुरंत आराम मिल जाएगा, ऐसा ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्रैम्प्स होते क्यों हैं। देखिए इसका तो वैसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे विटामिन डी की कमी से हो जाते हैं, जिनको भी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है उनको भी हो जाता है, कैल्शियम की कमी वालों को भी अक्सर हो जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के जो पेशेंट रहते हैं उनको भी क्रैम्प्स की समस्या आती है, क्योंकि उनकी आर्टरीज, पैरों की जो आर्टरीज रहती है वो वीक होने लगती है, तो उनको क्रैम्प्स की समस्या हो सकती है। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ वालों को भी क्रैम्प्स की समस्या हो सकती है, किडनी वालों को मैंने अक्सर देखा है जिनकी किडनी फेलियर कंडीशन हो जाती है उनको भी क्रैम्प्स आते हैं। उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं लेकिन किडनी फेलियर वालों को मैंने देखा है। इसके अलावा जो मेन कारण है ब्लड सर्कुलेशन ना होना प्रॉपर, तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं। एक्सरसाइज का अभाव होना या बहुत देर तक जो लोग खड़े रहते हैं उनको भी क्रैम्प्स आने की समस्या हो सकती है, या जो लोग बहुत चलते हैं उनको भी ये समस्या हो सकती है। और जो एक बहुत कॉमन समस्या है वो है गैस होना। जब आपको गैस्ट्रिक बनती है तो क्रैम्प्स हो सकते हैं, और गैस्ट्रिक के साथ अगर अंदर न्यूट्रिशन की कमी भी है तो ये समस्या ज़्यादा होगी, बार बार होगी ये समस्या। और गैस्ट्रिक का जो क्रैम्प्स आते हैं वो पैरों में तो आते जाते हैं, वो मूविंग क्रैम्प्स भी होते हैं, कभी कभी यहाँ आ जाएगा, कभी चेस्ट में आ जाएगा। गैस्ट्रिक का जो रहेगा क्रैम्प्स, जो बाइटा रहेगा, वो कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। डाइजेशन को भी ठीक रखना है, डाइजेशन को ठीक रखेंगे तो वैसे भी आपकी बहुत सारी बीमारियों से आज़ादी मिल जाएगी। चलिए अभी बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसका देखिए इंस्टेंट रिलीफ के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पैरों में पॉइंट है लीवर 2 और लीवर 3, इन पर आपको इस तरह से देखिए लीवर 1, 2, 3 पर ये देखिए ये लीवर 1 है, ये लीवर 2 है, इस पे दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये जो है इतने एरिया में आपको प्रेशर देना है, जैसे ही आपको क्रैम्प्स आते हैं इतने एरिया में इस तरह से आपको अंगूठे के साथ में यहाँ पर प्रेशर देना है, यहाँ पर, और इसके बाद आपको यहाँ पर लीवर 3 इसी के सीध में आना है। ये देखिए ये लीवर 3 का पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपको लीवर 3, और यहाँ पर दोनों पैरों में इस जगह पर लीवर 2, 3 पर प्रेशर देना है। इससे आपका क्रैम्प्स की समस्या से तुरंत आराम मिल जाएगा आपको। देखिए ये देख लीजिए ध्यान से, आसपास जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, आपको इतने एरिया में आपको प्रेशर देना है इस तरह से, थंब से देखते हैं इस तरह से 30 सेकंड के लिए प्रेशर कम से कम देना है आपको, 1 मिनट तक देखते हैं एक पॉइंट पर, और यहाँ पर भी इस तरह से प्रेशर देना है। 30 सेकंड में ही कुछ लोगों को ठीक हो जाता है, अगर आपके एक ही पैर में आया तो एक ही पैर में दीजिएगा, और बॉडी में कहीं भी आए तो दोनों पैरों में लीवर 2 और 3 पर आपको देना है प्रेशर इस तरह से। देखिए दोनों पैरों में देना है ये, इस तरह से आप दोनों पैरों में दीजिएगा तो इससे आपको जो है वो ठीक हो जाएगा आपका जो भी प्रॉब्लम है। तभी बात करते हैं इसका इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपको क्या करना है। देखिए उसके लिए क्या करना है आपको, देखते रहिएगा, अभी बता ही देता हूँ मैं आपको। अगर क्रैम्प्स आ गए, इसके अलावा आपको तो तुरंत फास्ट जो करना है, आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, देखिए इस तरह से आपके एड़ी को, इस तरह से एड़ी को आपको, एड़ी में देखिए इसमें, ये देखिए एड़ी कहाँ गई इसमें यार, ये देखिए इस तरह से आपको दोनों पैरों को ज़मीन पे मारना है, एड़ी को 5 बार, कम से कम 5 बार मारना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5,
ऐसा 5 टाइम करना है, दोनों पैरों में करना है आपको, दोनों पैरों में एक साथ भी कर सकते हैं इस तरह से, दोनों पैर को रख के 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको करना है। ऐसा करने से